दूंगी कि बड़ी मासूम सी है ये जिंदगी मेरी, बड़ी मासूम सी है ये जिंदगी मेरी, शहर में रहूं और गांव भी चाहिए, बस बैठी रहूं ऊंची इमारतों में मैं, पेड़ों को काटूं और छांव भी चाहिए, और छांव भी चाहिए। हमने प्रकृति से नाता तोड़ा है, हवाओं में भी खूब जहर छोड़ा है, इसका टिकरा दूसरों के सिर पर थोड़ा है, सुधर जाओ है दुनिया वालों, अभी थोड़ा है, अभी थोड़ा है, अभी थोड़ा है। रोको जल प्रदूषण जल्दी ही, वरना बेघर तुम हो जाओगे, रोको जल प्रदूषण जल्दी ही, वरना बेघर तुम हो जाओगे, जल जीवन और हरियाली की समस्या से तुम फिर कभी पार ना पाओगे, फिर कभी पार ना पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ है? एक अपील करनी थी आप लोगों से। एक्चुअली हमने ये थीम इसलिए चुना क्योंकि NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट ये कहती है कि एवरी ईयर मोर देन 8000 फार्मर्स सुसाइड करते हैं, एंड सुसाइड के रीजन है, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग, और हम सभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हैं, एंड एज अ सिटीजन एंड एज अ नेशनलिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर सस्टेन करना है, सो फॉर दैट सस्टेनेबिलिटी वी चूज द है, एंड फार्मर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर 70% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन दैट। एज वी नो कि पॉल्यूशन जो है ये कोई एक नई बीमारी नहीं है, इन द मिडिल एजेस ऑल्सो लोग पॉल्यूशन को फेस कर चुके हैं, बट दैन द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन वॉज इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, बट नाउ दिस प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड फॉर अ ग्रेट एक्सटेंट, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम सभी आप लोगों को बस इतना समझाना चाहते हैं कि पॉल्यूशन ना फैलाए और इसे कम करने में सहभाग करें। धन्यवाद।